कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसको बनाने से लेकर अब तक उसके साथ कई सारे आश्चर्य, कई सारे चमत्कार, कई सारे दर्दनाक कहानियां जुड़े हैं। और आज हम जानेंगे सूर्य देवता के ऊपर आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के ओडिशा राज्य में एक ऐसा भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण किए थे जो अपने अंदर कई सारे चमत्कार और सीमित विज्ञान समेटा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टाइटल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। ओडिशा, जो प्राचीन काल से कलिंग के नाम से जाना जाता था, कलिंग के कंग साम्राज्य के राजा लंगुला नरसिंह देव मात्र 18 साल की उम्र में ही उस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजा गणपति के साथ युद्ध लड़ने गए थे। ये युद्ध करीब 3 साल तक चली और जब नरसिंह देव गणपति को युद्ध में परास्त करके बहुत सारे धन संपत्ति के साथ घर लौटे तो उनके भव्य स्वागत की आयोजन रखा गया। नरसिंह देव राजमाता कस्तूरी देवी के पास आए और माता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव की वीरता में काफी प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहे कि तुम्हारे पिता शंखक्षेत्र पुरी में जगन्नाथ की भव्य मंदिर बनाए हैं और मैं चाहती हूँ तुम अर्क क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल एक सूर्य मंदिर के निर्माण करो। और नरसिंह देव उनके माता को पूछा कि सूर्य मंदिर ही क्यों और कोणार्क में किस लिए। और माता कस्तूरी देवी ने जवाब में कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर थे। वह हमेशा नारद मुनि को परेशान करते रहते थे। एक बार नारद मुनि सांब को सबक सिखाने के लिए एक योजना की और उनको गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया और वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपने माँ समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। यह बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और तुरंत अपने बेटे सांब को यह श्राप दिया कि जिस सुंदर शरीर के लिए तुम्हारा इतना गुरूर है वो अभी नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद सांब को कुष्ठ रोग हो जाता है। और जब यह बात रानी जमती को पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण की वजह से पुत्र की यह दुर्दशा हुई है तो सभी रानियां क्रोधित हो जाते हैं। आखिर में नारद मुनि को बुलाया जाता है और नारद मुनि रोग निवारण का उपाय देते हैं और कहते हैं सूर्य देव की पहली किरण उड्र यानी कलिंग देश की कोण में पड़ती है जो कोणार्क के नाम से जानी जाती है और सांब को अभी जाकर सूर्य देव की आराधना करनी होगी तभी जाकर सांब इस श्राप से मुक्ति पा सकेंगे। और बहुत ही लंबी यात्रा के बाद सांब कोणार्क के चंद्रभागा नदी के पास पहुंचते हैं और जल त्याग करके 12 साल कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान दिया। और जब सांब नदी से स्नान करके बाहर आते हैं तब वह रोग मुक्त हो चुके होते हैं और उनके हाथों में एक छोटा सा पत्थर होता है और सांब ने वो पत्थर को वही स्थापन करके एक छोटा सा मंदिर बनवाया। और जब उन्हें पता चला कि सूर्य पूजन के विधि विधान यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है तब वह चिंतित हो गए और फिर से सूर्य देव के ध्यान में बैठ गए। और सूर्य देव पुनर्बार प्रकट हुए और सांब के पूछने पर बताया कि दूर पश्चिम में शक्य देश के मादा ब्राह्मण सूर्य की विधि विधान जानते हैं। और सांब ये बात सुनते ही शक्य देश की ओर निकल पड़े। शक्य देश जो आज की ईरान है। कई महीने की लंबी यात्रा के बाद सांब 18 मादा ब्राह्मण को साथ लेकर कोणार्क लौटे और सूर्य की विधि अनुसार सूर्य मंदिर में पूजा की शुरुआत हो जाती है। और राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव को बताते हैं कि शादी के कई सालों बाद जब मेरी संतान नहीं हो रहा था तब मैं उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम मुझे पुत्र के रूप में मिले। और माता की यह बात सुनकर नरसिंह देव उनके माता को वचन देते हैं कि वो कोणार्क में संसार के सबसे सुंदर और भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण करेंगे और वो अपने वचन को पूरा करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया और फिर सदाशिव सामंतराय महापात्र और विश्व महाराणा के साथ और भी 1200 कारीगर मंदिर का एक प्रतिरूप बनाते हैं और राजा नरसिंह देव के आगे प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर के प्रतिमूर्ति देख बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अतिशीघ्र मंदिर निर्माण करने का आदेश देते हैं। और 1200 कारीगर में से विश्व महाराणा जो कि उन सब कारीगरों में से मुख्य कारीगर थे वो सब अपने घर से कहकर आते हैं कि मंदिर निर्माण कार्य संपूर्ण होने के बाद वो घर लौटेंगे और फिर मंदिर निर्माण की कार्य शुरू हो जाती है। और दूर दूर से पत्थर लाए गए, मंदिर निर्माण की कार्य तेजी से होने लगा और देखते ही देखते 12 साल बीत गए। मंदिर तो निर्माण हो गया लेकिन लाखों कोशिशों के बाद वह विशाल मंदिर के गुंबद पर एक कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था जो किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ राजा नरसिंह देव ने क्रोधित हो गए और बोले कि 1200 कारीगर को एक मंदिर निर्माण के लिए 12 साल हो गए, लेकिन मंदिर निर्माण की कार्य अभी तक संपूर्ण नहीं हो पाया है। और फिर वो आदेश देते हैं कि अगर कल रात्रि काल तक मंदिर के निर्माण कार्य संपूर्ण नहीं हुआ तो 1200 कारीगर का सिर काट दिया जाएगा। ये बात सुनकर 1200 कारीगर घबरा गए और कोई भी 12 साल में अपने घर नहीं गए थे और वो गहरी सोच में डूब गए कि आखिर करें तो करें क्या। मुख्य शिल्पीकार विश्व मारना वो जब घर से निकले थे तो उनका एक बेटा जात हुआ था जिसका नाम था धर्मपद, जिसे लोग प्यार से धर्मा कहते थे। उसे 12 साल हो चुका था, उसे उसका पिता को देखने का काफी मन हुआ और वह अपने माँ को जिद करता है कि उसे अपने पिता को देखने जाना है और उनके माँ उसे अपने पिता के पास जाने का अनुमति देते हैं। लेकिन उनके पिता धर्मपद को पहचानेंगे कैसे, इसीलिए उनके माँ धर्मपद को उनके एक अंगूठी देते हैं और उनके बगीचे के कुछ फल उसके साथ ले जाने के लिए कहते हैं। और धर्मपद कोणार्क पहुँचता है और वह अपने पिता को वो अंगूठा दिखाता है और बगीचे के फल चखने के लिए देता है और फिर अपना परिचय देता है और पिता अपने बेटा को पहचान जाते हैं। लेकिन सभी कारीगरों को चिंता में देखकर धर्मपद इसका कारण पूछता है और कारण जानकर धर्मपद अपने पिता से कहता है, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं मंदिर के गुम्बद पर वो कलश बिठा सकता हूँ। और पिता उसको अनुमति देते हैं और धर्मपद मंदिर के गुम्बद पर चढ़ जाता है और कुछ समय की कोशिश के बाद वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। और कलश स्थापित होते ही मंदिर में रखी गई सूर्य की प्रतिमा चुंबक के प्रभाव से हवा में झूलने लगती है और ये देखकर सभी कारीगर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ कारीगर इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि कल जब राजा को ये बात पता चलेगा, जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए वो काम एक छोटा सा बच्चे ने कर दिखाया, तब राजा हम सभी को मृत्यु दंड देंगे। इस बात को सुनकर धर्मपद ने सोचा, मेरी जिंदगी से ज्यादा मूल्यवान है 1200 कारीगर का जिंदगी। और धर्मपद ने अपने पिता को समझाया और मंदिर के गुंबद पर चढ़कर पीछे समुंदर में कूद गया। और सुबह हुई, राजा नरसिंहदेव मंदिर देखने के लिए आए। मंदिर के काम संपूर्ण होते देखकर राजा अत्यंत खुश हो गए और 1200 कारीगर की बहुत तारीफ करे। और राजा नरसिंहदेव यह घोषणा करे कि माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण किया जाएगा। लेकिन पंडित ने कहा कि तिथि तो अच्छा है, लेकिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सही समय नहीं है। लेकिन राजा नरसिंहदेव अपने जिद पर अड़े रहे और उसी तिथि में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुई। पर बहुत जल्द ही इस मंदिर में कुछ रहस्यमय घटना होने लगी। मंदिर पे लगी हुई एक विशाल शेर का मूर्ति नीचे गिर गया और मंदिर का बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। और जब राजा नरसिंहदेव को यह बात पता चली कि इस मंदिर का पहला दिवस एक 12 साल के बच्चे के मौत से शुरू हुआ है, तब इस मंदिर में पूजा रोक दिया गया और कुछ सालों में मंदिर के चारों ओर घने जंगल बन गए थे और इस मंदिर घने जंगलों में कहीं छुप गया था। और अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने इस मंदिर को पुनरुद्धार करे और इस मंदिर के लिए कई सारे लड़ाई हुई और मंदिर को कई आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा भी गया और आज आप इस मंदिर का सिर्फ टूटा हुआ हिस्सा ही देख रहे हैं। यह था कोणार्क मंदिर के निर्माण की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मंदिर का कई सारे मिस्ट्री, जैसे मंदिर पे लगाए गए 25 मेट्रिक टन चुंबक कहाँ गया और भी कई सारे आश्चर्य कर देने वाले कहानी के बारे में, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।